सुप्रीम कोर्ट लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को फैसला सुनाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को जमानत दी थी। चीफ जस्टिस एनवी रमन, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हीमा कोहली की पीठ सोमवार सुबह 10:30 बजे अपना फैसला सुनाएगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि हिंसा में प्रभावित पीड़ित परिवारों के सदस्यों ने हाईकोर्ट के जमानत देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पीठ ने 4 अप्रैल को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।